राजधानी चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर विजय एन जेड की अध्यक्षता में रविवार को यूटी गेस्ट हाउस में स्वीप कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ रेजिडेंस एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि आरडब्ल्यूए के साथ ये बैठक जागरूकता मतदाता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। वहीं इस बैठक में सीईओ यूटी ने आरडब्ल्यूए के सदस्यों से अनुरोध किया कि वो अपने समाज के निवासियों को 4 मई से पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपने वोटों को सत्यापित करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई निवासी अभी भी मतदाता सूची में नामांकित नहीं है तो वो 4 मई से पहले संबंधित ईआरओ कार्यालय में अपने बूथ लेवल अधिकारी को अपना फॉर्म सौंप सकता है, क्योंकि ये नए वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा करने की अंतिम तिथि है। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बेसिकली जो आज एक मीटिंग है, बेसिकली मीटिंग हमारी आरडब्ल्यूएस के साथ और है, वी आर गोइंग टू टेक द मीटिंग विद अदर आल्सो स्टेक होल्डर्स। इंटेंशन ये है कि आप देख रहे हो कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, और चंडीगढ़ में अगर आप लेगेसी देखोगे तो हमारा टर्नआउट भी अच्छा है, 70% था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू कभी नहीं हुआ पिछले बार, नॉट अ सिंगल FIR जो मैंने पिछले बार भी कहा। तो इस बार हमने कोशिश की कि जो 70-70% है इसको क्यों हम लोग लिमिट करें, चाहे अर्बन अपाथी का जो कॉन्सेप्ट है, आपने जाना होगा कि मेजर जो बड़े सिटी है वहाँ पे टर्नआउट बहुत कम होता है, उस हिसाब से चंडीगढ़ में बढ़िया। तो पहला जो हम लोग हमेशा देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि एट द लास्ट मोमेंट ऑन द बूथ कि मेरा वोट रह गया जी, मेरा तो प्रीवियस इसमें था 5 जनवरी के डेट में था, अब नहीं है। तो मेरी आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट है कि अभी से वेबसाइट पर जाके या ऐप डाउनलोड करके वो देख लें कि अपना वोट है कि नहीं, नहीं है तो अभी भी हमारी 4 तारीख तक की मौका है, क्योंकि 4 तारीख मीन्स 10 डेज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस। तो उस हिसाब से हमारा 4 तारीख तक, तो मेरी आपसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिक्वेस्ट करके सारे लोग इसमें वोट बनाएं, पर्टिकुलरली बाद में मौके पे ये ना हो कि हमने तो देखा था बाद में कैसे डिलीट हुआ।